आज कौन आ रहा है बिग बॉस के घर में, और बिग बॉस के सेट पर स्पॉट भी हुआ है, और साथ ही साथ इस ट्वीट ने तो ये सारी चीजें क्लियर ही कर दी हैं। तो कौन आ रहा है बिग बॉस के घर में आज एज अ गेस्ट, और लेकर आ रहा है अपने साथ कुछ खास मेहमान। तो कौन है ये खास मेहमान और कौन है ये गेस्ट, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। इस सीजन जो भी चीजें हुई है ना, वो हमेशा और सीजन से कुछ नई हुई है। जैसे कि इस कंटेस्टेंट का घर से बाहर जाना, फिर चाहे वो शालीन का डिप्रेशन हो, अर्चना सौंदर्य का बाथरूम में जाना हो, लॉक करना हो, बातें करना हो, फिर उसके बाद सलमान खान का वो सारी चीज़ें ऑन स्टेज दिखाना हो, उस आवाज़ को दिखाना हो, सुनाना हो, फिर चाहे अर्चना का घर से बेघर होना हो और सलमान खान को अर्चना को दोबारा से लाना हो, फिर चाहे वो टीना और शालीन का जो भी इनका था, फेक या रियल जो भी था, वो सारा इक्वेशन हो, ये सारी चीज़ें बिग बॉस में हमको नहीं देखने को मिली। और अगर आपको याद हो तो अर्चना और शालीन, प्रियंका और माफ़ी चाहता हूँ, टीना और शालीन का जो लव एंगल था ना, इस पर शिव ठाकरे ने भी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया था कि मैं भी लव एंगल ट्राई कर लेता, लेकिन मैंने भाई को देखा तो भाई ने पहले पूरा ख़राब कर दिया था वो पार्ट भी, इस वजह से मैंने कोशिश भी नहीं की। तो इस सीज़न ना भाई बिग बॉस में बहुत सारे गेस्ट आए, बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिले। जैसे शेखर सुमन का इसके पहले कभी सेगमेंट नहीं आया था, बिग बुलेटिन में शेखर सुमन देखने को मिला, जिसके बाद बिग बॉस खत्म होने के बाद एक सेगमेंट आता है बिग बस, ये नया शुरू हुआ जिसमें कंटेस्टेंट जो है जब इविक्ट होंगे तो सबसे पहले वहाँ पे इंटरव्यू देंगे। कृष्णा अभिषेक जो है उनकी वाइफ कश्मीरा और कृष्णा अभिषेक, ये दोनों बिग बस चलाते हैं। तो आपको बता दूं कृष्णा अभिषेक और भारती ये दोनों ही बिग बॉस के घर में आए थे, इसके पहले भी आ चुके हैं। कृष्णा अभिषेक तो दो बार आए, भारती एक बार आई हैं, और भाई अब कृष्णा अभिषेक और भारती दोबारा से फिनाले में आ रहे हैं और अपने साथ लेकर आ रहे हैं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट जो बिग बॉस के घर से बाहर हो गए थे, और करवा रहे हैं रैप बैटल, आप देख सकते हो। और सब अभी सब एक कंटेस्टेंट्स को लेकर आ रहे हैं अपने साथ, ये सारे कंटेस्टेंट्स आ गए एक ही साथ में जो बाहर हुए थे। अब इसके बाद जो है एक बैटल करवा रहे हैं, देख सकते हो आप। क्या बात है, तो ये शायरी वाली बैटल भी चल रही है, महफिलों वाली, इस पर जो है जनता रिप्लाई कर रही है। कोई लिख रहा है कि अर्चना गौतम लुकिंग ब्यूटीफुल वीरांगना अर्चना, फिर कोई लिख रहा है विजयी भव शिव ठाकरे बिग बॉस ट्रॉफी अवेट्स यू, फिर कोई लिख रहा है कि ब्लू में क्या लग रहा है यार शिव, फिर कोई लिख रहा है कि यार कितना भी शिव शिव कर लो, स्टैंड स्टैंड कर लो, जीतने वाली तो प्रियंका ही है, फिर कोई लिख रहा है प्रियंका जीत के आना, प्रियंका चक दे फटे प्रियंका, फिर कोई लिख रहा है कि मतलब मंडली रॉक्स भाई और असली रैपर तो उधर ही है, यानी कि एमसी स्टैन, फिर प्रियंका प्रियंका और सिर्फ प्रियंका, प्रियंका डजंट सर्च फॉर कंटेंट, कंटेंट सर्च फॉर प्रियंका। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी गॉसिप्स जानने के लिए बने रही हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।